कैमूर जिले के करमचट थाना क्षेत्र के सबार में 6 अप्रैल को हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब तक कुल 7 की गिरफ्तारी कर ली है, जिसमें करमचट थाना का चौकीदार परमानंद पासवान भी आरोप में शामिल है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने प्रयुक्त 1 देसी कट्टा, 5 जिंदा गोली, 9 मोबाइल बरामद किया है। परिजनों द्वारा घटना के अगले दिन पुरानी रंजिश में हत्या करने का मामला बताया गया था, जिसमें 6 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस हत्या में 5 लाख रुपए सुपारी ली गई थी, जिसमें करमचट थाना क्षेत्र के सवार में राकेश सिंह उर्फ तिरपन सिंह और शिव प्यारे दुबे की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अगले दिन ही तिरपन सिंह के परिजनों ने करमचट थाना क्षेत्र में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनुसंधान में पता चला कि करमचट थाना का चौकीदार भी इस मामले में शामिल है। वही पुलिस छानबीन के दौरान कुल 10 अपराधी इस हत्याकांड में शामिल हुए थे, जिसमें पुलिस ने 7 को गिरफ्तार कर लिया है। वही 3 अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। गठित की गई थी, जिसमें प्रोविजनल डीएसपी के अलावा जो थाना अध्यक्ष हैं, जो कांड के अनुसंधानक हैं, और जो डीआईयू की टीम है जो टेक्निकल सेल का काम देखती है, वो भी शामिल थी। टीम के द्वारा लगातार अनुसंधान किया जा रहा था। इस केस में चूंकि 6 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उन 6 में से 2 लोगों को गिरफ्तार करके अगले दिन ही न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना अनुसंधान कर रहे थे। चूंकि जो नामजद लोग थे उसमें ये पहले बार में ही सामने समझ के आ रहा था कि वो लोग घटना में हो सकता है षड्यंत्र के रूप में शामिल हो, लेकिन घटनास्थल पर लोग नहीं हैं। तो टेक्निकल एवं मोबाइल के सर्विलांस और अनुसंधान के आधार पर इसमें हम लोगों को कुछ डाउटफुल चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहला डाउट करमचट थाने के ही एक चौकीदार हैं परमानंद पासवान, उनके ऊपर हुआ। हम लोगों ने उनके डिटेल्स निकाले। डिटेल्स निकालने के बाद में जब उनसे क्रॉस वेरीफाई किया गया, उनके द्वारा पहले तो छिपाया गया, लेकिन बाद में जब अच्छे से पूछताछ हुई तो उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इस घटना की उनको जानकारी थी, और उनके निकटवर्ती संबंधी लोग हैं जिनके द्वारा इस घटना को करवाया गया। उनके द्वारा इसमें बताया गया कि पप्पू पासवान नामक एक व्यक्ति है जिसके द्वारा घटनास्थल पर जाके गोलीबारी की गई। उनकी निशानदेही पर पप्पू पासवान को गिरफ्तार किया गया। पप्पू पासवान से हथियार भी बरामद किया गया। पप्पू पासवान और चौकीदार, इन दोनों की निशानदेही के आधार पर 3 व्यक्ति और हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम उत्तम है, दूसरे का नाम मृत्युंजय है और तीसरे का नाम पंकज है। मृत्युंजय वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इस घटना में 3 हथियार प्रयुक्त किए गए थे। इन तीनों को उपलब्ध कराया गया था। मृत्युंजय को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटनाक्रम में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी होना और शेष है, और 2 हथियार की बरामदगी होना शेष है, जिसके लिए लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। सर, हत्या के लिए कितने में डील की गई? हत्या के लिए अभी तक के अनुसंधान विवाद प्रकाश में आई है कि 5 लाख रुपए में हत्या कराने की बात की गई थी, और जिन व्यक्ति के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप है उसके पीछे वजह ये है कि पिछले वर्ष जो व्यक्ति हैं इसमें, उनके बेटे की हत्या हुई थी। उस बेटे की हत्या में जो अभी घटना हुई है 6 तारीख को, उसमें जो मृतक हैं तिरपन सिंह, वो एवं उनके भाई एवं उनके भतीजा नामजद अभियुक्त थे, जिसमें से इनके भाई और भतीजों को पूर्व में न्यायिक हिरासत में भेजा भी गया था। और जो तिरपन सिंह है, अनुसंधान द्वारा इनके ऊपर कांड सत्य नहीं पाया गया था, और जो पूर्व में बेटे की हत्या हुई थी उसी हत्या के आक्रोश में इस घटना को अंजाम दिया गया। सर, जो गोली मारने वाले शूटर आए थे कहाँ से? अभी तक के अनुसंधान में अधिकांश लोग रोहतास जिला के अंतर्गत चिनारी एक जगह है, वहाँ के हैं। चिनारी के 3 लोगों को अभी गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा जो अन्य 3 वांटेड इसमें हैं, उस 3 में से 2 लोग अभी चिनारी के। और सर, क्या क्या जब्त किया गया? अभी इनके पास से 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिसमें से 3 मोबाइल वो हैं जो घटना स्थल पर भी थे, और घटना के उपरांत उन मोबाइल्स के सिम कार्ड भी तोड़ के फेंक दिए गए। इनको डाउट था कि शायद सिम से हो सकता है पुलिस पकड़ लेगी। इसके अलावा घटना में जो हथियार प्रयोग किया गया था उसमें से 1 हथियार को बरामद किया गया है। 5 जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। अभी यही कुल कितने अभियुक्त सर इसमें शामिल? अभी तक इस घटना में टोटल 10 अभियुक्तों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। 10 में से 7 लोग को गिरफ्तार हम लोग कर चुके हैं। 3 लोग की गिरफ्तारी अभी शेष है। चौकीदार के साथ क्या कार्रवाई की? उनको तो अभी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में, जैसे अन्य अभियुक्त हैं उनको भी उसी तरीके से भेजा जा रहा है। क्योंकि एक सरकारी कर्मी है तो उसके अंतर्गत जो प्रावधान है, सरकारी कर्मी किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है तो निलंबित होता है, और यदि अपराध बहुत ज़्यादा गंभीर है तो सेवा से बर्खास्त होते हैं। इस संबंध में